हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं की जो आम सी समस्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ज़्यादातर हर महिला को ये शिकायत रहती है सफ़ेद पानी की, यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी जो है रिसता रहता है, कभी गाढ़ा कभी पतला। और तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं लेकिन आपको ठीक से फ़ायदा नहीं होता है। तो आप एक बार मेरे इस नुस्खे का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ 2 दिन करेंगे आपके और आपका सफ़ेद पानी आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ली है सौंफ, जो आपके किचन में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। हर किसी के किचन में रखी ही रहती है सौंफ हमारे मसाले के तौर पे। तो आपको 1 गिलास पानी लेना है। तो इस 1 गिलास पानी आपको नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, जैसा कि आप सादा ताज़ा पानी पीते हैं वैसी ताज़ा पानी ले लीजिए। और इसमें आपको डालना है सौंफ, तो 2 चम्मच भर के हम इसमें सौंफ के डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको चला देंगे सौंफ, ताकि हमारी पानी में अच्छे से डूब जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। उसके बाद में आपको ये लेना है मिश्री, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मिश्री भी डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब। हैं दोस्तों, हमने इसमें मिश्री भी डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से चला देना है। और इसको आपको पूरी रात के लिए ढक के रखना होगा। इस तरीके से आप पूरी रात के लिए इसको ढक के रख दीजिए। सुबह में जब आप उठे मॉर्निंग में, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, कुछ भी खाने पीने से पहले इस पानी को आपको छानना है और इस पानी को ऐसे ही पी लेना है। ना ही आपको गर्म करना है, ना ही उबालना है, बस आप इसको छानिए और पी लीजिए। बची हुई सौंफ जो है उसको फेंक दीजिए और इसको पहले पीने से पहले चला लीजिए। चलाने के बाद में आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, छानना है, फिर आपको पी लेना है। ऐसा करने से आपकी सफ़ेद पानी की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी।